नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। गाजियाबाद के थाना विजयनगर के बाईपास चौकी प्रभारी अंकित चौहान ने एक बार गरीब परिवार की मदद करते हुए 3 बच्चों का एक निजी स्कूल में दाखिला कराया और उन्हें कॉपी किताबें भी वितरित की। इतना ही नहीं, खाकी ने पहले भी ऐसे अन्य नेक कार्य किए हैं जिनमें एक गरीब लड़की की शादी कराकर पुलिस ने कन्यादान किया था और कई बच्चों को परिवार से मिलवाया था। तीनों बच्चे जिसमें 11 वर्षीय छवि, 7 वर्षीय नंदिनी और 6 वर्षीय वरुण का निःशुल्क दाखिला कराया है और कहा गया है कि आगे जब भी मौका मिलेगा ऐसे नेक कार्य मैं आगे करता रहूंगा। वही महिला ने बताया कि मैं चौकी पर अपने पति की कंप्लेन लिखवाने आई थी, जो कि शराब पीकर बच्चों को और मुझको मारता पीटता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। चौकी प्रभारी अंकित चौहान ने मेरे 3 बच्चों से कुछ सवाल पूछे तो उनका जवाब देने पर बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछा और कहा कि बच्चों को पढ़ाओ, मैं इनका स्कूल में दाखिला करा दूंगा और किताबें का भी सब खर्च मेरा होगा। इस प्रकार पुलिस ने हमारी मदद की और मैं पुलिस का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। चौकी प्रभारी अंकित चौहान का कहना है कि पुलिस की छवि में लगातार सुधार हो रहा है। हम भी इंसान हैं और हर मजबूर इंसान की मदद करना हमारा फर्ज है। बच्चे पढ़ने में अच्छे थे और भविष्य खराब ना हो, इसलिए मेरी ये एक छोटी सी पहल है। वही तीनों छोटे बच्चों और परिवार ने भी चौकी प्रभारी और गाजियाबाद पुलिस का धन्यवाद किया।